हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी प्याज मसाला। इसके लिए हमें चाहिए पैन में तेल, ऑयल मैंने गरम कर लिया है, 1 किलो मैंने भिंडी ली है इसमें और भिंडी को काट लिया है। गरम ऑयल में भिंडी को डालेंगे डायरेक्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब कि इसमें भिंडी में रेशे दिखने लगेंगे आपको, जिसे हम लोग लिसलिसा पदार्थ की वजह से, जो भिंडी में होता है उसकी वजह से। हमने भिंडी को तब तक पकाना है इसमें जब तक वो रेशे जो है लिसलिसे पदार्थ के, वो ख़त्म ना हो जाए। अभी आप देखिएगा, अभी धागे तार से दिखते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। ये ख़त्म हो चुके हैं करीब करीब। और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। मैंने 2 से 3 मीडियम प्याज लेके उनको स्लाइस कर लिया है, बीच में से हाफ करके 3 मीडियम प्याज लिए हैं मैंने। इसको थोड़ी देर प्याज के साथ कुक करेंगे, बीच बीच में हिलाते रहें। वीडियो को छोटा करने के लिए हमने कहीं कहीं टाइम लैप्स भी किया है। अब डालेंगे इसमें हम नमक स्वाद के लिए। नमक मैंने इसमें 1.5 टीस्पून लिया है, छोटा 1.5 चम्मच नमक लिया है मैंने। नमक डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं, जिससे कि प्याज में जो पानी छोड़ा है वो सूख जाए। अब डालेंगे हम इसमें हल्दी। मैंने इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाली है। एक टीस्पून से थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। हल्दी डाल के एक बार मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें इसमें ब्राउन नहीं करना है भिंडी के साथ, सिर्फ थोड़ा सा जिससे गल जाए, थोड़ा सा पिंकिश हो जाए, गुलाबी सा हो जाए थोड़ा। अब ऐड करेंगे इसमें हम धनिया पिसा हुआ। इसमें मैंने 2 टीस्पून धनिया लिया है पिसा हुआ। एक बारी फिर मिक्स कर लेंगे। मसाले एक एक करके डाल के मिलाने का भी कारण है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भिंडी को नमक डाल के पकाते हैं। नमक डाल के पकाने से भिंडी लिसलिसी हो जाती है। उसको हमें ये ध्यान रखना है कि नमक हमने जब उसकी लिस ख़त्म हो जाए, जब वो तार जो है वो ख़त्म हो जाए, तब नमक डालें। अगर पहले नमक डाल देंगे तो भिंडी लेसदार हो जाएगी, बिल्कुल गिलगिली हो जाएगी। अब इसमें मैंने मिर्च ऐड कर दी है। 1 टीस्पून मैंने मिर्च का लिया है और उसको मिक्स कर दिया है। अब भिंडी हमारी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। गर्मा गर्म सर्व करेंगे, साथ में आप गरम गरम चपातीस बनाएं और भिंडी को एंजॉय करें। और प्लीज़ ज़रूर बनाएं, ट्राई करें रेसिपी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर डालें। थैंक यू।